गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज से हम अपना एक रिविजन स्टार्ट कर गए चैप्टर नंबर वन से। दैट इज चैप्टर नंबर वन का क्या नाम था? ऑन द फार्म। एंड व्हाट इज़ अ पेज नंबर इन टेक्स्ट बुक? दैट इज़ अ पेज नंबर वन। इस चैप्टर में ऑन द फार्म जो लिखा है, इसमें हम क्या पढ़ते हैं? एनिमल्स के बारे में, जो एनिमल्स फार्म में रहते हैं या हम घर पर अपने पालते हैं। ठीक है, जैसे कि काउ है, चिकन हो गया, रोस्टर हो गया, या फिर शेप और डंकी। तो कुछ एनिमल्स जो घर पे रहते हैं, हमें डेली में हेल्प भी करते हैं, तो उन एनिमल्स के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्या है? दिस इज़ अ काउ। इट इज़ अ ब्राउन काउ। द काउ सेज मू। द काउ ईट्स स्वीट ग्रीन ग्रास। मतलब क्या है, ये काउ है, इसका कलर क्या है? ब्राउन है। ये कैसे बोलता है? मू मू करके बोलता है ना। और ये क्या खा रहा है? स्वीट ग्रीन ग्रास। दैट मीन्स ये क्या खाता है? स्वीट ग्रीन ग्रास खाता है। सो इट इज़ अबाउट काउ। काउ क्या होती है? घर पे हम पालते हैं तो हमें क्या देती है? काउ हमें दूध देती है ना, हेल्दी दूध देती है। नाउ नेक्स्ट पेज, पेज नंबर टू। इसमें क्या है? हॉर्स। देखो हॉर्स क्या है, पहले रीड करते। दिस इज़ अ हॉर्स। इट इज़ अ ब्लैक हॉर्स। द हॉर्स सेज नै। द हॉर्स रन्स वेरी फास्ट। मतलब ये एक ऐसा एनिमल होता है जो बहुत तेज दौड़ता है। कैसा एनिमल है? जो ये बहुत तेज दौड़ता है, बहुत फास्ट। उसका कलर क्या है? देखो ब्राउन है। तो ये क्या है? रेस वेस होता है ना, उसके लिए उसको यूज़ किया जाता है। और इसकी साउंड कैसा होता है? ने ने करके साउंड होता है। तो यही यहाँ पर लिखा है, दिस इज़ अ हॉर्स। इट इज़ अ ब्लैक हॉर्स। द हॉर्स सेज ने। द हॉर्स रन्स वेरी फास्ट। सेकेंड, ये क्या है? देखो देखने में क्या लग रहा है? ये शीप है। ये शीप है और ये कहाँ है? ग्रीन ग्रास है। और यहाँ पे वाइट कलर के क्या है? इसके जो स्किन है, फर होता है, इससे क्या बनते हैं? वुलन ड्रेस पहनते हैं। जो वुल्स होते हैं ना, वो कहाँ से मिलते हैं? यहाँ से। लेट्स वेट। और दिस इज़ अ शीप। इट इज़ अ वाइट शीप। द शीप सेज वा। द शीप स्किप्स एंड जंप्स। ये क्या है? दिस इज़ अ शीप। और ये कैसा शीप है? इसका कलर कैसा है? वाइट शीप है। एंड द शीप सेज बा। जो कैसे बोलते हैं? बा बा। द शीप स्किप्स एंड जंप्स। स्किप्स मतलब कूदना फांदना। तो कूदना, जंप्स का मतलब कूदना, और उसके मतलब फांदना, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। द शीप स्किप्स एंड जंप्स। थर्ड है, देखो यहाँ पे क्या है? डक है यहाँ पे एक, और ये डकलिंग्स हैं। डक के बच्चों को हम क्या बोलते हैं? डकलिंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? डकलिंग्स। इट इज़ अ डक। दे आर थ्री डकलिंग्स। नाउ दिस इज़ अ मदर डक। दिस आर हर डकलिंग्स। दे ऑल से क्वैक क्वैक, स्पैश स्पैश, दे स्विम इन द पॉन्ड। क्या हो जाएगा? ये मदर डक है और ये इसके बेबीज है। बेबीज को हम क्या बोलते हैं? डकलिंग्स। एंड उनके साउंड कैसे होते हैं? क्वैक क्वैक, स्प्लैश स्प्लैश। कैसा साउंड होता है? जब पानी में चलते हैं ना, तो उसको कैसा साउंड होता है इसका? स्प्लैश स्प्लैश। और दे स्विम इन द पॉन्ड। और वो पानी में रहते हैं ना। डक कहाँ रहते हैं? पानी में रहते हैं। दे लिव इन द पॉन्ड। तो अभी हम रिविजन शीट स्टार्ट कर रहे हैं। ये आप लोग के इंग्लिश की रिविजन शीट्स हैं, आप लोगों ने ले ली होगी, है ना? रिविजन शीट इंग्लिश की, उसका जो फर्स्ट पेज है क्या है? ऑन द फार्म, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था। इसमें हमने क्या पढ़ा है? टू लर्न अबाउट सम फार्म एनिमल्स, कुछ फार्म एनिमल्स के बारे में। टू लर्न द साउंड ऑफ फार्म एनिमल्स, वो कैसे बोलते हैं, कैसा उनका साउंड होता है, इसके बारे में। टू लर्न द फूड ऑफ फार्म एनिमल्स, वो क्या खाते हैं खाना, क्योंकि काऊ क्या खाता है? ग्रीन ग्रास खाते हैं ना, स्वीट ग्रीन ग्रास। तो क्या खाते हैं? स्वीट ग्रीन ग्रास। टू लर्न द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फार्म एनिमल्स, उनके जो कैरेक्टर्स होते हैं, सारे फार्म एनिमल्स तो सेम नहीं होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। टू लर्न द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फार्म एनिमल्स। टू लर्न द लुक्स ऑफ फार्म एनिमल्स, वो कैसे दिखते हैं, उनके कलर्स, वाइट शीप, ब्लैक हॉर्स, ब्राउन काउ। तो इस वजह से हमने क्या रीड किया? सम एनिमल्स फ्रॉम दिस चैप्टर। इस चैप्टर में कौन कौन से एनिमल्स थे? द काउ, द हॉर्स, द शीप एंड डक। और इसमें कौन सा ग्रामर टॉपिक है? नाउन है। नाउन में भी कौन से है? नेमिंग वर्ड्स। कौन से है? नेमिंग वर्ड्स। तो नेमिंग वर्ड्स में क्या पढ़ेंगे हम? व्हाट आर नाउन्स, व्हाट आर नेमिंग वर्ड्स। क्या रीड करेंगे हम? नाउन्स एंड नेमिंग वर्ड्स। इट वाज अ पेज नंबर वन, कम्स टू पेज नंबर टू। नाउ सीन पैसेज वन। दिस इज अ शेप।
it is a white sheep. The sheep says baa. The sheep skips and jumps. मतलब ये शीप है. शीप का कलर कौन सा है? व्हाइट है. शीप क्या बोलती है? बा. एंड द शीप स्किप्स एंड जंप्स. जैसे मैंने बताया था ना, शीप क्या करती है? स्किप करती है एंड जंप्स करती है. नाउ टिक द करेक्ट आंसर. नाउ टिक द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन वन इज व्हाट इज द कलर ऑफ द शीप. कि शीप का कलर कैसा है? तो हम लोग कौन सा पोएम में गाते थे ना, बाबा ब्लैक शीप. तो नो, दिस इज नॉट अ ब्लैक शीप, इट इज अ व्हाइट शीप. तो वी हैव टू टिक ऑन white sheep. We have to tick on white. Second, what does the sheep say in this poem? Poem mein sheep kya bolti hai? Uska sound kaisa hota hai? Ba hota hai ya quack hota hai? Quack kiska sound hota hai? Duck ka sound hota hai. Kiska hota hai? Duck ka. To sheep ka sound kya hota hai? Ba. To we have to tick on ba. Kis pe tick karna hai? Ba pe. Now, question second, what does the sheep do? Sheep क्या करती है? Sheep क्या करती है? The sheep skips and jumps. So we have to write here the sheep skips and jumps. क्या लिखेंगे हम? द शीप स्किप्स एंड जंप्स. नाउ व्हाइट ऑपोजिट. ब्लैक का ऑपोजिट क्या होता है यहाँ पे? व्हाइट. क्या होता है? व्हाइट. ब्लैक ऑपोजिट व्हाइट. सो वी विल राइट हियर WHITE व्हाइट. स्पेलिंग इज नाउ. और सेकेंड वन इज स्किप. स्किप मतलब किसी चीज़ को स्किप करना. तो क्या हो जाएगा उसमें? जंप. सो क्या हो जाएगा? जंप. So we will write here jumps. क्या लिखेंगे? JUMP jump. What we will write? JUMP jump. So it was a page number 2. Now comes to page number 3. Page number 3 में क्या है? Scene passes to. What is scene passes to? This is a mother dog. These are her ducklings. They all say quack quack. Splash splash. क्या है? Splash splash. They swim in the pond. वो कहाँ आते हैं? Swim in the pond. मतलब ये mother duck है. क्या है? ये mother duck है. और mother duck मतलब बत्तख. उसके babies को हम क्या बोलते हैं? Ducklings. क्या बोलते हैं? Ducklings. And उनका sound होता है quack quack. और जो पानी पे चलते हैं उनका sound होता है splash splash. They swim in the pond. अब वो कहाँ पे swim करते हैं? Pond में. So answer the following questions. Question one, what does the duck say? The duck क्या बोलती है? तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? The duck. The duck says. यहाँ पे ऐसे QUACK. और यहाँ पे ऐसे हमें स्टार्ट कैसे करना है? कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है और लास्ट में हमें यहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है. ये लगाना नहीं बोलोगे कि पंक्चुएशन में आपको स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर एंड एंड विथ फुल स्टॉप तो यू हैव टू यूज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डू दे स्विम. वो कहाँ स्विम करते हैं? तो दे स्विम इन द पॉन्ड. तो वी विल राइट दे स्विम in the pond. They swim in the pond. Write two naming words. Naming words क्या होते हैं? जो किसी animal का नाम या कोई sound का नाम. तो इस तरह से sound का नाम नहीं, कोई animal name, person name, place name, इसको हम क्या बोलते थे? Naming words. तो यहाँ पे naming words एक हो जाएगा mother और एक हो जाएगा duck. मदर मतलब मम्मा और डक मतलब बत्तख. तो वी कैन राइट हियर, लुक एट दिस, मदर और नेक्स्ट क्या हो जाएगा? डक. तो इस तरह से ये आपको पेज नंबर 2 और 3 घर पे आज करना है. और इस वीडियो को अच्छे से सुनना बच्चों और इसको समझना, और कोई डाउट्स होगा तो मुझे क्लियर करना. थैंक यू.